नमस्कार, इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख रहे हैं। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि काफी समय से जो अभिभावक है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार स्कूल कब खुलेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों के खुलने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं, यानी कि 1 फरवरी से अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। कौन कौन सी क्लासें रहने वाली हैं जिनको पहले हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने के आदेशों में जो है पारित किया है, सबसे पहले 10वीं 11वीं और 12वीं के जो स्कूल हैं वो 1 फरवरी से खुलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि 15 साल से ऊपर के बच्चों की भी जो है वैक्सीन आ गई थी, और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी ये दी है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो 75% से ऊपर के जो बच्चे हैं, 75% जो है तकरीबन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे थे, खासतौर पर 11th 12th और 10th के बच्चों की बात करें तो 75% बच्चों को वैक्सीनेशन लग गई है, जिसके चलते अब यह फैसला लिया गया है। तो यह बड़ी अपडेट इस समय सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। लगातार पेरेंट्स को खास तौर पर चिंता हो रही थी कि आखिरकार जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स का क्या होगा, कैसे वे तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं, यानी कि आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है और 1 फरवरी से जो है स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल कौन कौन से खुलने जा रहे हैं, जो कौन कौन सी क्लासें पहले हरियाणा सरकार ने खुलने के आदेश दिए हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि 10th 11th 12th को खोलने के आदेश जो है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दे दिए हैं। तो यह बड़ी अपडेट इस समय सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बताया है कि जल्द ही हो सकता है कि 6th 8th 9th यानी कि इन क्लासेस को भी जल्दी खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की जो डोज है वो बच्चों को, यानी कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं 75% बच्चों ने लगवा ली है, बाकी बच्चे भी जो है वो जल्द से जल्द अपनी डोज जरूर लगवाएं, पेरेंट्स से भी उन्होंने अपील की है। दूसरी एक मेन जानकारी ये भी है कि हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड है, कोविड से बचाव है, काफ़ी ज़्यादा बचाव है, यानी कि जो खासतौर पर पेशेंट सामने आ रहे हैं या कोविड पॉजिटिव जो लोग सामने आ रहे हैं वो अपने घर पर ही ठीक हो रहे हैं, खांसी जुकाम मामूली तौर पर है और अपने घर पर ही क्वारंटाइन 2 से 3 दिन रहने के बाद वो ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल्स हैं वो खोलने के आदेश जो है हरियाणा सरकार ने दे दिए हैं। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि जब चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि लगातार पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बच्चों की एजुकेशन को लेकर, सबसे बड़ी बात लोग मजाक भी उड़ाते थे कि शराब के ठेके जो है खोल दिए गए हैं, शराब के ठेकों का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन आखिरकार बच्चों के जो स्कूल हैं वो कब खोले जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है, अब हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि 10th 11th 12th को 1 फरवरी से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है बच्चों को बिठाना होगा और खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में यानी कि क्लासरूम्स में मास्क अनिवार्य किया जाएगा। तो इस तरह से जो है गाइडलाइंस जो है सभी स्कूलों के जो आदेश है सभी जिला लेवल पर वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा में जो एजुकेशन थी, यानी कि जो एजुकेशन और साथ साथ स्कूल थे, उनको अब खोल दिया गया है। स्कूलों को खोलने के आदेश 1 फरवरी से जारी कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो 10th 11th 12th के जो बच्चे थे उनका जो सिलेबस था काफ़ी ज़्यादा अभी रुका पड़ा था, और कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो उनको ऑनलाइन क्लासेस में वो तमाम चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो नहीं समझा पा रही थी। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले यानी कि 1 फरवरी से पहले स्कूल खुले हैं, इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि आने वाले समय में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं 6th 8th 9th यानी कि 6ठी 8वीं व 9वीं कक्षा के जो स्कूल है वो भी स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये पेरेंट्स से भी अपील की है कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, 15 साल से ऊपर के जो बच्चे थे उसमें से 75% जो डोज है वो लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं 25% जो डोज है वो भी जल्द से जल्द लगाने की पेरेंट्स से भी अपील कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं डोज लगवाई है तो वो लगवा सकता है। और दूसरी एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कोई अनिवार्य नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, यानी कि 10th 11th 12th के जो स्कूल्स ओपन हो रहे हैं उसमें वो कंपलसरी नहीं, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। इस तरह के निर्देश जो है हरियाणा सरकार ने दिए हैं। तो ये तमाम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। लगातार 10th 11th 12th के खासतौर पर बच्चों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, लगातार उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि आखिरकार स्कूलों के खोलने के जो आदेश हैं वो कब तक जारी होंगे, लेकिन हम आपको इस समय लेटेस्ट जानकारी ये दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। स्कूल खोलने के आदेश 1 फरवरी से दे दिए गए हैं। हालांकि सभी स्कूलों को, पेरेंट्स को खास तौर पर, स्कूलों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करना पड़ेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।